बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाही करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर चैप्टर से है। प्रूव दैट दी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपान पी टू द पावर थ्री, पी बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन दी टेंजेंट एट एक्स कमा वाई। हमको इलिप्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर रो को प्रूव करना है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की पावर थ्री, और ये पी है वो बताया गया है कि सेंटर से जो इलिप्स है उसके इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है सेंटर से, वो पी के बराबर है। तो पी का रो का कनेक्शन पी से हमें करना है। तो सबसे पहले जिस मेथड से हम जिस फार्मूले से रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं वो फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका कनेक्शन जो है वो पी से जोड़ना होगा। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हम लिख देते हैं, यानी जो एलिप्स है उसका इक्वेशन। अगले पेज पर हम देख रहे हैं, अगले पेज पर द इक्वेशन, द equation of given curve और कहना चाहिए कि ellipse, given ellipse का equation हमको दे रखा है x square upon a square plus y square upon v square is equal to 1। इसको आप चाहें तो equation number 1 डाल दें, और इसका हमें जो कि radius of curvature find करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी इसके second derivative की, first derivative की जो ज़रूरत होगी formula में और second derivative की formula में value put करने के लिए। तो इसको differentiate करना होगा x के respect में, तो differentiating with respect to एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में टर्म हर एक तीन टर्म है, ये तीनों का करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करने का है तो वन अपान ए स्क्वायर इंटू में है कांस्टेंट में बाहर लिख लें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, प्लस का साइन है अप्लाई कर देंगे। ऐसे वन अपान वी स्क्वायर इंटू में है कांस्टेंट है बाहर लिख लें, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई हो जाएगी, लेकिन हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई वो डी एक्स, और राइट हैंड साइड में वन कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डी वाई वो डी एक्स की, इसके लिए इस टर्म को हम लेफ्ट से राइट में पहुंचाएंगे, अभी तो प्लस का आधा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट में बचेगा टू वाई तो न्यूमरेटर में है और वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और इस टर्म को ले जा रहे हैं तो माइनस का हो गया, राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो टू एक्स न्यूमरेटर में है और अपान में ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में, टू से टू कैंसिल भी किया जा सकता है यहाँ पर, और हम यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, माइनस ये वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर राइट हैंड साइड में पहुंचेगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, अपान में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, और वाई राइट हैंड साइड में पहुंचेगा तो अपान में आ जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो जिसका जो न्यूमरेटर में था वो राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में आ गया यानी वाई। तो डी वाई और डी एक्स की वैल्यू की हमें ज़रूरत होगी, इसको हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर टू डाल सकते हैं और इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना होगा ताकि हम सेकेंड डेरीवेटिव की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है तो सेकेंड डेरीवेटिव हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड में जो भी है यानी माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स अपान बाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को बाहर लिख देंगे, और डिफरेंशिएशन सिर्फ करना होगा हमको एक्स अपान वाई का, जिसमें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा, डिनोमिनेटर वैसे ही, और डिफरेंशिएशन करना होगा न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर वैसे ही, और डिफरेंशिएशन करना होगा डिनोमिनेटर का यानी वाई का। तो इस तरीके से हमें सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के साथ में ही लिख लें वाई स्क्वायर
ताकि आसानी से फिर हम इसमें एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया माइनस, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एक्स लिखने के बाद देख रहे हैं कि ये वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये एक्चुअल में डी वाई ओवर डी एक्स ही है, जिसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर टू से लिख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू को डाल देंगे तो हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर अपान में है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाई माइनस का एक्स इंटू, अब हम इक्वेशन नंबर टू का यूज़ करेंगे, वहाँ से वैल्यू डी वाई ओ डी एक्स की फाइंड की थी माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स अपान वाई, ये वैल्यू हमने यहाँ पर नोट कर दी है। हमने इसके लिए यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू से ये जैसे माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाकी लिख लेंगे जो भी वैल्यू है, यानी वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई, इसको नोट कर लेंगे। तो अगले पेज पर हम लिख रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो चल रही है वो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर नोट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू को। तो सेकंड डेरिवेटिव है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और y प्लस हो गया ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उससे पहले हम बी स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू वाई अपान वन करते हुए एलसीएम भी ले लेंगे यहाँ पर, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ब्रैकेट से बाहर चल रहा था, और यहाँ पर ए स्क्वायर वाई एलसीएम हो जाएगा, और जब हम ये अपान में चूँकि वन है इसको डिवाइड करेंगे वन से यही आ जाएगा, इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का, ये पूरा सेम है तो कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स, जिसका वन का ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें सेकेंड डेरीवेटिव की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, यानी सेकेंड डेरीवेटिव की वैल्यू आ रही है ये सॉल्व करने के बाद, तो बी स्क्वायर अपान ए की पावर यहाँ पर हो जाएगी। अब इसमें हम अगर थोड़ी सी ट्रिक लगाएं तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, तो इसके लिए हम इस वाई को तो इसके साथ में लिख लेते हैं वाई स्क्वायर के साथ में, तो ये हो जाएगा वाई की पावर थ्री हो जाएगी इसको, और ए स्क्वायर को इसी के अंदर ही लिखा रहने दें क्योंकि अभी सेपरेट करेंगे, और जो वैल्यू मिलेगी तो वो ऐसी मिलेगी इक्वेशन नंबर हम वन का यूज़ कर सकेंगे, और इससे बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अभी हम इसके लिए ये कर रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पर बचा हुआ ए स्क्वायर, तो अगर वी स्क्वायर भी होगा तो हमारे इक्वेशन नंबर वन का हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकेंगे, तो वी स्क्वायर का हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी साथ में मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, थोड़ी सी ट्रिक है ये जिससे हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। इससे बी की पावर फोर हो जाएगी, टू टू फोर हो जाएगी, और ए स्क्वायर वाई की पावर थ्री, और यहाँ से जब सेपरेट करेंगे ये अपन ये करेंगे, यानी दिखा भी दे रहे हैं हम ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ऐसे ही ये अपन ये करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों किया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई है माइनस बी टू दी पावर फोर ए स्क्वायर वाई क्यूब, और ये वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर वन को देखें, ये वैल्यू वन के इक्वल है, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की एक सिंपल सी वैल्यू हमको मिलेगी, बी की पावर फोर अपान ए स्क्वायर वाई क्यूब, ये वैल्यू वन के इक्वल हो गई। हमने इसके लिए इस इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब हम चूँकि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी मिल गया है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड कर चुके हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको रो से लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल अब स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू, और अपान में है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इन सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, इसीलिए फाइंड की थी वैल्यू, तो रो इज इक्वल टू तो वन प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वेशन नंबर हमें टू में मिल रही है जो कि माइनस वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एक्स अपान वाई है, ये पुट कर दी लेकिन इसका स्क्वायर है होल पावर
थ्री बाई टू है अपान में सेकंड डेरिवेटिव, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की थी, तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसमें जो निगेटिव हो साइन होगा उसे आप हटा सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो निगेटिव तो होता नहीं। फ़िलहाल हमने वैल्यू पुट कर ली है, अगले स्टेप में हम इस माइनस को निगलेक्ट कर देंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को फाइंड कर देंगे, माइनस यानी हटा देंगे इसको। और ये ए स्क्वायर डबल अपान में है, ऐसे ही वाई क्यूब भी डबल अपान में है, तो इसका उजा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर वाई क्यूब का अपान में वी की पावर फोर, ये बचा है इसको लिख देते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे ये प्लस माइनस का, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको हम प्लस में ही रहने देंगे। वन प्लस और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी की पावर फोर हो जाएगी और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा अपान ए की पावर भी फोर हो जाएगी, ए की पावर फोर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दिया और इसकी पावर है थ्री बाई टू। अब यहाँ पर अपान वन करते हुए वन अपान वन कर लीजिए और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वन और किसी की एलसीएम यही वैल्यू होगी। तो अगले स्टेप में रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई की पावर थ्री अपान बी की पावर फोर, और यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है ए की पावर फोर वाई स्क्वायर, तो होल पावर इसकी थ्री बाई टू है जिसका आधा इंटू होगा, तो ए की पावर फोर वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस बी की पावर फोर एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुकी है, इससे ज़्यादा हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और इसे इक्वेशन नंबर थ्री डाल दें, क्योंकि अब हमें कनेक्शन करना है इसका पी की फार में आंसर लेके आना, अभी तो नहीं आ रहा है पी की फार में। तो यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पर फाइंड की जाती है, अगर पॉइंट नहीं दे रखा है जिसका मतलब वो पॉइंट यहाँ पर एक्स कमा वाई है, तो एक्स कमा वाई पर ही हमें बात की गई थी टेंजेंट की, और एक्स कमा वाई पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, तो उसी एक्स कमा वाई पॉइंट पर हम जो स्मॉल पी है उसकी वैल्यू को निकालेंगे और इसके साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। तो अभी हमने इसको इक्वेशन करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम फिलहाल इस कैलकुलेशन को यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। ये स्मॉल पी है वो क्या है, जो मैं कर्व दे रखा था वो इलिप्स का था, इलिप्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से इसको ट्रेस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आप कैसे बनाए, फिर भी अपने थोड़ा सा माइंड में ये थोड़ा सा चले कि क्या चल रहा है इसमें, तो बना सकते हैं, यानी एग्ज़ामिनेशन में आप ज़रूरी नहीं है आप इस फिगर को बनाएं, ये कहने का मेरा मतलब है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये इलिप्स है, यानी ये डिस्टेंस ए होती है, ये डिस्टेंस बी होती है, ये कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये इलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये कहा जा रहा था कि इसके पॉइंट एक्स कमा वाई जनरल पॉइंट एक्स कमा वाई पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और ये इस ओरिजिन यानी जीरो कमा जीरो से इसका जो सेंटर है वो वही सेंटर बात की जा रही थी कि ये सेंटर से, तो उस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन ही होगा, ये स्टैंडर्ड फार्म है, इसका यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये परपेंडिकुलर जो गिरेगा वो लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ पी है और इस लेंथ को हम फाइंड तभी कर पाएंगे जब हमें इस लाइन का यानी टेंजेंट का इक्वेशन पता हो। तो इस इलिप्स का इक्वेशन हमको मालूम ही है, बस हम इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान तरीका है, जब इक्वेशन में कर्व का पता होता है और इसके किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना हो, सिर्फ जो हमारा वेरिएबल ये होता है उसकी जगह पर आपको मालूम है कि वेरिएबल जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर वेरिएबल है उसके यहाँ पर एक्स वन एक्स रख दिया जाता है और जो वाई स्क्वायर होता है वहाँ पर वाई वन वाई रख दिया था, लेकिन ये यहाँ पर पॉइंट माना कि एक्स वन का वाई वन पर अगर टेंजेंट निकाला जाता है, लेकिन ये टेंजेंट यहाँ पर चूँकि एक्स वन वाई वन ना बोल के एक्स वाई बोला गया है, तो हमारा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले हम लिख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट the equation of tangent at x comma y to the ellipse जो कि equation number वन से denote है। तो उसके लिए आप क्या करना है कि ये point ये constant की तरह use होंगे, तो ellipse का equation देखिए जहाँ पर x square है वहाँ पर x
कैपिटल एक्स रख देंगे, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। यहाँ पर स्मॉल एक्स जो है वो कांस्टेंट है और जो कैपिटल एक्स है वो वेरिएबल है, जो हमारी लाइन होती है उसमें एक्स वाई आता है, तो वो उस वेरिएबल के लिए एक्स वाई यूज़ हो रहा है। और ऐसी वाई स्क्वायर यहाँ वाई वन वाई यानी वाई कैपिटल वाई रख देंगे और अपान में बी स्क्वायर जो भी आपका एलिप्स का इक्वेशन वो लिखें, बस एक्स स्क्वायर की जगह पर एक तो वही पॉइंट वाला और दूसरा वेरिएबल एक्स, और ऐसे ही पॉइंट वाई स्क्वायर के यहाँ पर वाई और दूसरा वेरिएबल वाला अपान, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। इलिप्स का के टेंजेंट का इक्वेशन आ चुका है, क्योंकि अब हमें इस टेंजेंट की यानी ये वाली टेंजेंट है उसके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अभी इक्वेशन 3 डाल चुके थे, अभी इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट जो होता है उसे पॉजिटिव दिखाएं, तो इसके लिए इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएं, लेकिन उसको दिखाएं लिखें लेफ्ट हैंड साइड में ही, तो ये टर्म माइनस हो जाएंगे, माइनस का एक्स कैपिटल एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस वाई कैपिटल वाई अपान बी स्क्वायर और प्लस वन इजिकल टू ज़ीरो, क्योंकि अब हमें इस ओरिजिन से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इस स्मॉल पी के बारे में बता दिया गया है कि स्मॉल पी क्या है, क्योंकि हमें इस रो का की वैल्यू जो है वो पी के टर्म में ही बताना है। तो ये है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इस इलिप्स यानी 0,0 टू लाइन, जैसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दें, लाइन 4 या स्ट्रेट लाइन 4, तो स्मॉल पी की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड करने का तरीका क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जनरल केस में जो लाइन का इक्वेशन होता है, जैसे कि ये लाइन है, इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर सी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके किसी पॉइंट एक्स वन का वाई वन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है कि आप पूरी लाइन के इक्वेशन में जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर एक्स वन रख देंगे, या वाई मिलेगा वहाँ पर वाई वन रख देंगे, प्लस सी बाकी सी ऐसे ही रहने देंगे कॉन्स्टेंट, अपान में एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इस फार्मूले का अब यूज़ कर लें। बस ध्यान रहे हमारा स्मॉल एक्स वाई अलग है, इनका अलग है, हमारा जो जिसमें इसमें है वो हमारा कैपिटल में है, जो उधर फार्मूले में स्मॉल एक्स है वो हमारा कैपिटल है, और जो वहाँ पर कॉन्स्टेंट है यहाँ पर ए बी वो हमारे स्मॉल एक्स और बाई की तरह यूज़ करेंगे, ना सिर्फ वो बल्कि ये इस बात अपान में भी हमारे कांस्टेंट है टोटल। तो क्या करना है कि आपको जो ये पॉइंट हैं यानी एक्स वन वाई वन वो यहाँ पर कैपिटल की जगह पर पुट कर देना है, यानी वैसे तो पर्टिकुलर केस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, लेकिन हम जनरल केस में जनरल जो फार्मूला होता है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें हम वैसे ही लिख देंगे, और कैपिटल एक्स यहाँ पर ज़ीरो रख दें, यहाँ पर ऐसे ही कैपिटल वाई की वैल्यू ज़ीरो रख दें प्लस वन, और अपान में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पर, एक्स का मतलब कैपिटल एक्स का जो कोएफिशिएंट है, क्योंकि वही वेरिएबल है ये कॉन्स्टेंट है उसका स्क्वायर, और माइनस वाई अपान वी स्क्वायर उसका स्क्वायर, इसमें स्मॉल पी मिल जाएगी और हम कनेक्शन फाइंड कर पाएंगे इस रेडियस ऑफ कर्वेचर रो और पी के बीच में। ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ वन बचेगा अपान में, इसका होल ऑफ स्क्वायर जब ओपन करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ऐसे यहाँ पर वाई स्क्वायर अपान बी की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और पी यानी स्मॉल पी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान स्क्वायर रूट ए की पावर 4, बी की पावर 4 को हमने एलसीएम ले लिया है और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 और वाई स्क्वायर, हमें किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करना होगा स्मॉल पी और रो को, तो इक्वेशन नंबर हम जो लास्ट में छोड़ के आए थे रो को 3 इक्वेशन नंबर 3 उसमें ये वैल्यू हमें नज़र आ रही है, जो भी हम निकाल सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, और वहाँ पर ये प्रूव करना उसमें ए बी और बाकी चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी,
कुछ चीज़ों को हमें पुट करना होगा। तो ये चीज़ हमें आसानी से यहाँ से मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने रख दिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं इसमें। तो दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर तो पी स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से रूट हट जाएगा, तो बी की पावर 4 x² प्लस ए की पावर 4 y² अपान ए की पावर 4 b की पावर 4, ये कैलकुलेशन में हमें मिला। ये डबल अपान में है ये, तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की पावर 4 b की पावर 4 अपान में बी की पावर 4 x² प्लस ए की पावर 4 y², और इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग अपान मन करते हुए। इसका इधर इंटू कर दें, इसका इंटू मतलब इसको वैल्यू को निकालना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, इसको जल जाए पी स्क्वायर के इधर अपान मिल जाए, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। बी की पावर 4 x² प्लस ए की पावर 4 y² इस ब्रैकेट को, और ये आ जाएगा ए की पावर 4 b की पावर 4 अपान पी स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम डाल सकते हैं जो मैं लास्ट में इक्वेशन नंबर 3 मिला है उसमें डाल सकते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो चल रहा है, तो उसकी वैल्यू है ए स्क्वायर वाई की पावर 3 अपान बी की पावर 4। इसे लिखने के बाद में देखिए ब्रैकेट है स्क्वायर, और इस ब्रैकेट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, बाकी बाद में सॉल्व करते रहेंगे। ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे ए की पावर 4 b की पावर 4 अपान स्मॉल पी स्क्वायर, ये वैल्यू, और अपान में जो है वो ए की पावर 4 है और वाई स्क्वायर होल इस ब्रैकेट की पावर जो है वो 3/2 है। इसे पहले सॉल्व कर लिया होता तो वाई यहाँ से कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है क्लियरली, कल नहीं किया तो अब हम कर लेंगे, यानी ए स्क्वायर वाई की पावर 3 अपान बी की पावर 4। तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो न्यूमरेटर की पावर भी 3/2 हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर भी 3/2 हो जाएगी, यानी हमारा जो न्यूमरेटर है वो ए की पावर 4 b की पावर 4 अपान बी स्क्वायर, इसकी पावर भी 3/2, डिनोमिनेटर है ए की पावर 4 y² इसकी पावर भी 3/2 हो जाएगी। और फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करके आसानी से जो प्रूव करना तो वो आ जाएगा, क्योंकि वाई कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा, बाकी तो कांस्टेंट ही लाना था हमें, वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू जो भी है लिख दीजिए ए स्क्वायर वाई क्यूब अपान बी की पावर 4 था शायद, उसको हमने लिख दिया है। अब इस ब्रैकेट को हम अले आहिस्ते आहिस्ते से हटा रहे हैं, यानी अब ये हटाएंगे तो न्यूमरेटर की पावर भी 3/2 हो जाएगी, डिनोमिनेटर की पावर भी 3/2 हो जाएगी, तो ए की पावर 4 b की पावर 4 b 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पर जो पी स्क्वायर था उसकी पावर भी थ्री बाई टू हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में जो था उसमें दो अलग अलग फैक्टर हैं, इनकी पावर भी 3/2 हो जाएगी, यानी ए की पावर जो 4 था उसकी पावर भी 3/2 और वाई स्क्वायर था उसकी पावर भी 3/2 हो जाएगी। आप चाहें तो एक ही बार में कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जिनको इंडेक्सेस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर वाई क्यूब अपान वी की पावर 4 into, अब इस ब्रेकेट को अगर आप हटाते हैं तो क्या होगा, ब्रैकेट इन दोनों फैक्टर की पावर 3/2 हो जाएगी, यानी ए की पावर 4 की पावर भी 3/2 हो जाएगी और बी की पावर 4 की पावर भी 3/2 हो जाएगी। अपान में क्या होंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर 2 और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 into 2 3/2, इससे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप। ऐसे यहाँ पर भी ए की पावर 4 है उसमें 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ऐसे वाई स्क्वायर की पावर 3/2 है इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रो की वैल्यू चल रही है ए स्क्वायर वाई की पावर 3 b की पावर 4 into, और यहाँ पर न्यूमरेटर में ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर की पावर 4 और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, जो अपान वाला पी की पावर 3 था वो हम ये जब नीचे लेके आएंगे तो इस वाली लाइन के नीचे आ जाएगा, यानी पी की पावर 3 हो जाएगा। और
ये कैंसिल होने के बाद ये फोर कैंसिल हो जाएगा टू से, तो टू हो जाएगा, तो इस तरीके से ए की पावर सिक्स हो जाएगा और बी की पावर हमें मिलेगा थ्री मिलेगा, बी के बाद वाई की पावर थ्री मिलेगा, सॉरी वाई की पावर थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल फोर कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स, तो ए स्क्वायर मिलेगा, बी की पावर फोर है और यहाँ पर फोर कैंसिल हो जाएगा टू से, तो टू बचेगा सिक्स पावर हो जाएगी, बी की पावर सिक्स हो जाएगी और अपान में बी की पावर थ्री और ए की पावर सिक्स है, तो देखिए यहाँ पर बी की पावर सिर्फ टू बचेगी, फोर कैंसिल हो जाएंगे तो टू बचेगी क्योंकि सिक्स में से फोर पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर ए की पावर और बी की पावर में देख रहे हैं कि एक जैसी, क्योंकि जो हमें प्रूव करना था इस सवाल में कैलकुलेशन में कुछ रह गया होगा, देख लेते हैं। ये सवाल बहुत लंबा हो चुका है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा था अपान में पी की पावर थ्री, तो ए स्क्वायर तो मिल गया है, बी स्क्वायर मिल गया और ये सिक्स पावर जो नज़र आ रही है वो है बस अपान में, जो पी की पावर थ्री है वो भी है, ये ए की पावर सिक्स जो आ रही है वो एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रही है, वो कैसे है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर गलती से दिख दिया गया है क्या, ए की बी की पावर फोर है ये और ए की पावर सिक्स ये हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पावर जो है एक जो है ये वाला फैक्टर छूट गया था, ए स्क्वायर तो लिख दिया था, ये ए की पावर जो सिक्स थी वो रह गई थी यहाँ पर, ए की पावर सिक्स ये और वो ए की पावर सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो सिर्फ हमारे पास ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपन पी की पावर थ्री ये मिल जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखरुद्दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।